My dear student, welcome back. आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे क्या, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आरटीजी कुछ आवा क्वेश्चन है एआर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन को जो टॉपिक प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किए थे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम आज करेंगे. ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, चलिए पहले क्वेश्चन दे रहे हैं. तो ये रहा आगे सब क्वेश्चन है, तो प्लीज कुछ पहले ट्राई कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को. चलो हम हट जा रहे हैं, कर लिए हैं. चलिए mass and length are respectively 1.5% and 1.1%. यानी कि प्रत्येक लेंथ में जो एरर आ रहा है 1.5% आ रहा है, मास में जो एरर आ रहा है कितना 1% आ रहा है. तो आ रहा है बताइए मैक्सिमम एरर इन माइन का डेंसिटी. माइग्रेशन डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट. तो मास जो होते हैं हम सीधे दे रहे हैं, ठीक है. वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम क्या होगा, क्यू का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब होता है ना. अरे धान में क्यों वॉल्यूम क्या होता है, धान में लिखो ऐसे करते हैं, ठीक है. तो वॉल्यूम का सब क्या है कि इसके एरिया की शेप पर हमने पूछा है, एरिया ए ए सब पेड़ है, इसे एरिया कितना हो गया ए जैसे हो गया ए ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब हो गया. तो हमको परसेंटेज डेंसिटी निकालना है, माइग्रेशन क्या हो जाएगा तो मालूम होनी चाहिए. परसेंटेज इन मास, परसेंटेज इन मास प्लस 3 × % एरर ए, यही होता है ना, बोले ना. तो ये क्या होगा, कितना एरर है 1%, ठीक है. 3 × लेंथ कितना एरर है, तो कितना दिया है 1.5 लेंथ, सॉरी सॉरी मास दिया, कितना दिया है पहले मास है ना, तो मास दिया 1.5 दिया है, सॉरी 1% और लेंथ दिया 1%, ठीक है. तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1.5 अब प्लस 3 यानी वह 4.5%. कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा. कितना इजी दिख रहे हैं ना, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. अब सेकंड का है कि द रिलेटिव एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ एन स्फीयर इज अल्फा. सरफेस एरिया क्या होते हैं, 2 पाई आर होते हैं सरफेस एरिया, नहीं स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 pi r square. परसेंटेज एरर इन एस इक्वल टू लिख सकते हैं ना, तो 2 × कांस्टेंट टर्म जितने भी होगा इसको हटा देंगे, कांस्टेंट टर्म सबको हां हटा देंगे, ठीक है. 2 × परसेंटेज एरर इन आर पार्ट 2 है ना, ये इधर आ जाता है ना, ये आ गया नहीं. वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का कोण है 3 पाई आर क्यू, यही होता है ना. तो ये जो कांस्टेंट टर्म है तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहेंगे, परसेंटेज इन वॉल्यूम, ये क्या हुआ 3 × आर परसेंट, राइट, आर परसेंट नहीं दिया गया, आर परसेंट यहाँ निकाल सकते हैं ना, तो एस बराबर क्या लिख सकते हैं, आर परसेंट के बराबर परसेंटेज इन आर बराबर लिख सकते हैं ना, बाय 2, राइट. तो यहाँ पर बचेगा 3 × परसेंटेज इन एस बाय 2, नहीं तो 3 परसेंटेज एस कितना है अल्फा बाय 2, यानी कि 3/2 अल्फा. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट. चलिए सीधा देख रहे हैं, अब दिया गया है सर मान लीजिए दिया, ये जो पूछा हुआ है मैथ्स का 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, 18 में था ना, एक बार जी 18 में पूछा हुआ है ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है. तो देख सकते हो एक पीजे पूछा ऑफलाइन,
ये ऑनलाइन ये पूछा हुआ, ये भी ऑनलाइन पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन क्या है ऑनलाइन का ही है, दो क्वेश्चन पूछा ऑनलाइन पूछा हुआ है। ठीक है, पहले मैथ जो एग्जाम होते हैं ना, एक होता है ऑफलाइन होता है, एक ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन दे चुका है, ये है एक्सप्रेशन है इसका। ठीक है, ये एस है, ठीक है, ये ए बराबर है पी क्यू 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 अपॉन अंडर रूट आर इनटू एस। तो कह रहे हैं कि एरर दिया, पी में एरर 0.5% है, क्ययू में एरर 1% है, आर एरर 3% है, एस में एरर 1.5% है। तो कहते हैं क्या ए में एरर कितना आएगा, चार ऑप्शन दिया है मैचिंग करना है। ठीक है, तो मैं लिस्ट का देखो कैसे बनाते हैं। तो हमारा पूछा है ए में एरर निकालने के लिए कितना परसेंटेज एरर ए विल बी इक्वल टू क्या होगा, 3 परसेंटेज एरर पी प्लस 3 परसेंटेज एरर क्यू। ठीक है, प्लस दिख रहा है ना परसेंटेज एरर, ये अंडर रूट आर मतलब क्या, आर को पार हाफ, यानी हो जाएगा हाफ इनटू परसेंटेज एरर में आर, आर एक प्लस हो जाएगा एस है, तो परसेंटेज एरर इनटू एस में 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्यू नहीं हो जाएगा नहीं। अब तुमने मैं देखा था 3 परसेंटेज इन पी कितना देख चुका है, ये देख चुका है 0.5 देख चुका है, प्लस 3 इनटू परसेंटेज जो कितना है 1% है। ठीक है, प्लस हाफ परसेंटेज इनटू आर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है परसेंटेज बार 3%। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, स्पेस में जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 3% प्लस परसेंटेज इन एस कितना है, तो ये है 1.5% है। अब चलिए लिख लेते हो, वो जो 1.5 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस 1.5 हो जाएगा, राइट, ये लोग 1.5 हो जाएगा। तो 4.5 और 7.5% 0.5% हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी राइट। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ रहे हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे बता दें, मेरे पास इसे देते हैं, इसे बता दें, प्रिंसिपल नोट कर लीजिए, कर लिए हैं जी, ओके। इसमें क्या करें, इस एक्सप्रेशन दिया हुआ है परसेंटेज ए, आई एम सॉरी पी होनी चाहिए, सॉरी आई एम सॉरी जब पी दिया हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं कि पी कितना परसेंट आएगा, तो मैं ये उसका लिख सकते हैं, तो परसेंटेज इन पी कितना आ जाएगा, तो हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 परसेंटेज एरर इन बी प्लस 3 परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर 4 परसेंटेज एरर इन डी एरर इन डी, राइट। माइनस कितना जाएगा, हाफ हो जाएगा, ए परसेंट कितना, ए कितना दिया है 2%, बी कितना दे दिया है 1 दे दिया है, सी कितना दे दिया है 3 दे दिया है, जी कितना दे दिया है 5 दे दिया है, 2% कितना देते हैं, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 2 + 9 + 20, ये कितना हो जाएगा 29, 31, 32%। माय डियर स्टूडेंट कितना आएगा 32% आंसर हो जाएगा, कितना आ गया 32% आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 32% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लिख रहे हैं। तो ये रहा आपके सामने ये दो क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कीजिए, एक क्वेश्चन 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों मैथ्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, प्लीज ट्राई कीजिए। ठीक है, कर लिए हैं, चलिए हम इसको बना रहे हैं। अरे क्वेश्चन का है कि ए स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस
of a simple pendulum for tens. मतलब कहते हैं कि कोई जो डेंट है वो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको वो मेजर कर रहा है, कितना ऑसिलेशन है 100 ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन, ठीक है। कहते हैं कि द डेटा सेट इज 90 सेकंड 91 सेकंड एंड 95 सेकंड एंड 92 सेकंड, और वो जो मेजर किया फर्स्ट टाइम मेजर किया उसको आया कितना 90 सेकंड आया, दूसरे बार किया 91 आया, तीसरे बार किया 95 सेकंड आया एंड फोर्थ बार किया 92 सेकंड आया। अगर इफ द मिनिमम डिविजन इन मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकंड, मतलब कोई मतलब क्लॉक है वो कम से कम जो मेजर करेगा वो कितना 1 सेकंड करेगा, 1 सेकंड से कम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहां ये जो क्लॉक जो लिखा हुआ है मैंने इसे इधर रखा है जो तू याद है, ठीक है, यहां लिखा हुआ है 1, यहां पे 1 2 3 4 5 मतलब ये 1 सेकंड मेजर करेगा, इससे कम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका लिस्ट दे दिया, लिस्ट में लेने कितना 1 सेकंड, ठीक है, मतलब मान लीजिए हमको वैल्यू आ रहा 1.5 सेकंड आ रहा है तो माने क्या 2 सेकंड माने कहीं मान लो तो आ गया 3.45 सेकंड आ गया, मतलब उसको हम क्या मानेंगे 4 सेकंड मानेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए यहां पर दिया क्या कितना रेंज दिया हुआ है, उन्होंने लिखा है 1 सेकंड दिया है। तो अगेन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, मीन टाइम कितना होगा ये हमको करना है निकालना है, ये ठीक है, एवरेज टाइम क्या होगा वो करें निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम मीन टाइम निकालने की तरह आ रहे हैं, चलिए तो हमको दिया हुआ है मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका मीन वैल्यू कितना होगा, मीन वैल्यू हो गया 90 सेकंड प्लस 91 सेकंड प्लस 95 सेकंड प्लस 92 सेकंड और बाकी कितना 1 2 3 4 4 आ गया, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 91 2 7 8, राइट। नौ तो काटो ये वाला मैं तो सकती हूं तब ना आ गया, यानी को गया 92 सेकंड आ गया, मिनो इतना 92 सेकंड आ गया। अब हमको जानना है कि ये वैल्यू क्या होगा, यहां पर क्या होगा, मतलब इसकी जो है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ये क्या मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, हमको ये निकालना पड़ेगा। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है मीन यानी कि ये डैट 1 सेकंड का डैट काम है 2 सेकंड हो जाएगा, इसके बीच में नहीं रुकेगा, इसके बीच में ये नहीं रुकेगा, कहां रहेगा एक बार है 2 पर गया, अब वो आ क्या 1.5 आ रहा है, मानेंगे क्या ये क्या 2 सेकंड है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा कितना वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 92 प्लस माइनस 2 सेकंड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन का देख लेते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ना कितना लेंथ क्रॉस है 1 सेकंड, ये कितना ही मिला था कंडक्शन से 1 सेकंड का 1 सेकंड बाद वो वैल्यू वाली में कहां गया 2 सेकंड चला जाएगा, ठीक है, ये बात चल तो इसमें मिटा दिया है, इसमें क्या करना देख लेते हैं, मारिए देखते हैं क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज ऑब्टेन बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग इन इट, ठीक है, किसी वायर का करंट फ्लो कर रहा है उसे रेसिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। कहते हैं एंड द वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई अक्रॉस इट,
what is resistance? Resistance of the magnetic field is equal to if the percentage error in the measurement of the current and voltage. तो परसेंटेज एरर दे दे किसमें करंट में कितना इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज डिफरेंस आर 3% और वोल्टेज डिफरेंस कितना परसेंटेज एरर ये लिए 3% इच इसमें भी 3% दे दिया ठीक है तो कहते हैं एरर इन Now we do resistance of the wire. So from Ohm's law, क्या है पढ़े हुए हैं टेंथ में? From Ohm's law, क्या है? V equals to I R. Therefore, so R equals to V upon I. The percentage error in R will be equal to percentage. इसमें power एक ही है, तो percentage error in V plus percentage error in I ठीक है बचाने के लिए होगा 3% plus 3% यानी कितना आ जाएगा 6% ऑप्शन डी इज करेक्ट माय डियर स्टूडेंट ये था प्रीवियस या सब कुछ हमारा है सब कुछ ऑपरेशन माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास आते हैं तो हम लोग आरटीजी एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा हुए हैं 2010 तक उसको हम लोग करेंगे या उससे ज्यादा भी होगा तो कर लेंगे ठीक है तो चलिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक कर दें शेयर कर दें और अगर न्यू व्यूअर हो तो मेरे वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दोबारा ना भूलें ताकि जब कभी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो कुछ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे राइट चलिए आज के इतना है तब तक लिए ऑल द वेरी बेस्ट